समझता हूं। सुरेंद्र भैया, अब आपकी जिम्मेदारी बड़े साहब न रहने के कारण और बढ़ गई है। आप अब सिर्फ मंत्री नहीं हो। उन्होंने हमें जो राह दिखाई, उनकी जो विरासत है वो मंत्री से बहुत बड़ी थी। मंत्री उनके सामने बहुत छोटे हुआ करते थे। सुरेंद्र पटवा जी, आप भाग्यशाली हो जो ऐसे मनीषी के साथ आपको बचपन से रहने का मौका मिला। और मैं ये मानता हूं कि आपने जो कुछ ये पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, वो पटवा जी से मिले हुए संस्कार और वो क्षमता आपने कहीं न कहीं ट्रांसफर हुई है, उस कारण आप इस मुकाम और मंजिल तक पहुंचे हो। आने वाले वक्त में इस मध्य प्रदेश में भाजपा को सहेजने और संवारने के काम में हम जिन जिन लोगों को लगाएंगे, पटवा जी की उस रिक्तता की पूर्ति आप अब उस भूमिका में भी करें। दिवाली के इस पर्व पर मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी की कृपा से बना हूं। यह मेरा एक परिवार है और मेरा अपना मानना है कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है वो पार्टी कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकती। वो पार्टी को कोई पराजित नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी की दौलत और पूंजी यदि है तो उसका लीडर वो कैसा है।